सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मिली हरी झंडी। एनपीआर को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, देश की जनसंख्या का रजिस्टर आएगा। एनपीआर के लिए 1 अप्रैल 2020 से होगी जनगणना। नागरिकों की पहचान का डेटाबेस बनाना है लक्ष्य। एनपीआर का लक्ष्य नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर देश भर में हो रहे बवाल के बीच मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक यह मंजूरी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने के लिए दी गई। मोदी कैबिनेट की आज हुई बैठक में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेट करने के लिए मंजूरी दी गई। इस काम में आने वाले खर्च का बजट भी जारी कर दिया गया है। रजिस्टर अपडेट करने के लिए सरकार की तरफ से 8,500 करोड़ रुपयों से ज्यादा का बजट पास किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, CAA और NRC के बीच मचे बवाल के बीचों बीच आपको बता दें, एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसको मंजूरी मिल चुकी है। अप्रैल 2020 से एनपीआर को अपडेट की करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 2021 में ये आंकड़े सामने आएंगे। तो इससे पहले आपको बता दें कि 2009 में मिली थी मंजूरी एनपीआर की यूपी के कार्यकाल में, और उसके आंकड़े 2011 में सामने आए थे। लेकिन वहीं हालांकि एनपीआर का आपको बता दें एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है जिसमें बहुत सी जानकारियों को इकट्ठा किया जाएगा और डेटाबेस में उन जानकारियों को रखा जाएगा। आपको यह भी बता दें कि इस बार 15 से 18 जानकारी ऐसी होंगी जो अतिरिक्त होंगी, जिनको जुटाया जाएगा। तो एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसे समझिए ध्यान से। इसमें प्रत्येक नागरिक की जानकारी रखी जाती है। एनपीआर नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत बना है। स्थानीय उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार होता है। हर नागरिक को एनपीआर में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना जरूरी होता है। इसके जरिए देश के सभी नागरिकों को जोड़ा जाता है। एनपीआर से ही सरकारी योजनाएं हर शख्स तक पहुंचाई जाती हैं आसानी से। देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है एनपीआर। तो 2011 की जनगणना के लिए 2010 में डेटा जमा किया गया था और 2015 में घर घर जाकर सर्वे अपडेट किया गया। अपडेट सर्वे को डिजिटल रूप दिया जा चुका है और 2020 में असम को छोड़कर इसे सभी राज्यों में अपडेट किया जाएगा। और 2021 की जो जनगणना के लिए दरअसल इसे अपडेट किया जाएगा। तो केंद्र सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेट करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए 8,500 करोड़ रुपयों का बजट पास कर दिया गया। इसमें प्रत्येक नागरिक की जानकारी रखी जाएगी। इस बार कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी होंगी। हर नागरिक का बायोमेट्रिक और वंशावली का ब्यौरा दर्ज होगा। बड़ी बात, 3 चरणों में एनपीआर की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके अलावा 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक घर घर से ये आंकड़े जुटाए जाएंगे। दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक पूरा होगा और तीसरे चरण में संशोधन की प्रक्रिया होगी। कहीं कोई खामी, कहीं कोई गलती, उसको दुरुस्त किया जाएगा। तीसरा चरण 1 मार्च से 5 मार्च 2021 तक चलेगा और 6 महीने या उससे ज्यादा समय से एक क्षेत्र में रहने वाले को पंजीकरण कराना होगा। एनपीआर में हर शख्स की करीब 15 जानकारियां जुटाई जाएंगी। नाम, माता पिता, ये जानकारियां, लिंग, जन्म, शैक्षिक स्थिति और पता भी शामिल होगा। तो 2010 में एनपीआर लागू हुआ था जो 2011 की जनगणना में काम आया।